नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और आज आप देख रहे हैं मैं नंदलाल बोस का जो पार्ट टू, और जो इसी में आपके क्वेश्चन और हमारे आंसर्स होते हैं वो मैं लेकर आई हूँ। क्योंकि नंदलाल बोस मैंने पूरा लगभग पढ़ा दिया था, बस उसमें कुछ ही उनका ऐसा रह गया था जो मैंने छोड़ा था, जानबूझ कर छोड़ा था। वो इसलिए छोड़ा था ताकि आपको कुछ नंदलाल बोस के बारे में मैं पढ़ा भी सकूँ, और दूसरी चीज़ ये थी कि उनके बारे में मैं जो चर्चा है उनके जीवन के बारे में थोड़ी सी वो भी कर सकूँ जो रह गई थी। और दूसरी चीज, आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको पढ़कर उनके आंसर भी मुझे आपको देने होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, चलिए या फिर अभी चर्चा करते हैं, पहले हम देख लेते हैं नंदलाल बोस के बारे में। ठीक है, नंदलाल बोस, क्योंकि ये बंगाल शैली के आर्टिस्ट हैं तो इम्पोर्टेंट हैं आप सभी के लिए, बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको पढ़ेंगे और इनको जरूर पढ़ना है। देखिए, इनका जन्म तो आपको पता है, 1882 ईस्वी। ठीक है, मैंने इनके पिता आपको नहीं बताए थे, इनके पिता का क्या नाम है, तो इनके पिता का आप नाम देखोगे पूर्णचंद्र बोस। ये इनके पिता थे, क्या नाम था पिता का, पूर्णचंद्र बोस। और इनके पिता आप देखेंगे आर्किटेक्ट महाराजा दरभंगा की रियासत में एक मैनेजर थे। आर्किटेक्ट महाराजा दरभंगा की रियासत में क्या थे, एक मैनेजर थे। ठीक है, मैं बता रही हूँ थोड़ा सा ऐसे ही, कभी कभी डीपली भी, क्योंकि यहाँ पर सारे बच्चे हैं, एलटी के भी बच्चे क्लास स्कूल में भी देखते हैं और डीएसएसबी के भी, नेट के भी, तो ज़रूरी है उन लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो डीप में आती हैं वो उनके बारे में बताना। पूर्णचंद वो आर्किटेक्ट तथा महाराजा दरभंगा की रियासत के मैनेजर थे। अब देखेंगे, नंदलाल बोस को शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके पिताजी ने अनेक विद्यालयों में एडमिशन दिलाया, लेकिन आप जानते हैं इनका कहीं भी मन नहीं लगता था, किसी भी विद्यालय में इनका मन नहीं लगा। उसके बाद इन ये मतलब हर जगह असफल होते रहे। इनकी जो रुचि थी वो आरंभ से ही आर्ट में थी, ज़्यादातर रुचि इनकी आरंभ से ही आर्ट में थी, और इन्होंने अपना जो करियर है वो आर्ट में ही बनाया था। दूसरी चीज, यहाँ पर एक चीज और मैं लिखा देती हूँ, इनका जो झुकाव था, इनके गुरु थे, कौन थे, गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर, जिनकी वजह से इन्होंने आर्ट में इतनी ख्याति अर्जित की या इतनी ख्याति प्राप्त की और आर्ट के क्षेत्र में ये बढ़े। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए मेरे हिसाब से, ये टॉपिक के साथ साथ मेरी एक मोटिवेशनल वीडियो भी है, किसी भी काम को करने के लिए हमें सिर्फ एक सहारा नहीं कहेंगे हम, एक ऐसी चीज चाहिए होती है जिसके जरिए से, एक जरिया हमें ऐसा चाहिए होता है कि जिसके जरिए से हम अपनी मंजिल पा सकें। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में या अपनी शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग करियर बनाते हैं उनको एक गुरु की आवश्यकता होती है। नंदलाल बोस ने भी वही गुरु चुने, अवनींद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इनकी रुचि आर्ट में थी और अवनींद्रनाथ टैगोर 20वीं शताब्दी के पुनर्जागरण काल के पिता थे। इन्होंने आर्ट इनको चुना और अपना जो नाम है वो आर्ट के क्षेत्र में रोशन किया। वैसे ही मैं आपको भी यही चीज साथ साथ समझा रही हूँ, आपको अच्छा मौका मिला है इस समय, क्योंकि आप देखेंगे समय भी इस वैकेंसी के लिए काफी मिल चुका है। तो जो बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको बस थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा खर्च करने की जरूरत है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा, मैं देखती हूँ, महंगी महंगी चीजें तो खरीद लेंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट के लिए या अपने करियर के लिए कुछ अगर उनको बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ इतने पैसे खर्च करने हैं और इसमें आपका करियर बन जाएगा, या उनको खुद भी दिखता है, वो नहीं करेंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझसे आके कोचिंग लीजिए या मेरी बुक खरीदिए, मुझे कोई ऐसी नहीं नीड है। बस मैं इतना कहती हूँ, आपको जहाँ लगता है आप जाके प्रिंट आउट निकलवाइए उस चीज की, अगर आपके पास कुछ ऐसा एक पीडीएफ है या कुछ ऐसा है, पढ़िए, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं उनके जाके पीडीएफ निकलवाइए। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि हमारी मनी वेस्ट हो रही है, मनी वेस्ट आप सिर्फ एक बार करेंगे, उसके बाद लाइफ टाइम आराम करेंगे। लाइफ टाइम आप देखेंगे मंथली आपको सैलरी आएगी, कोई आपको ऐसा नहीं है कि आपको नींद आपकी पूरी नहीं होगी, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। अभी जो हार्डवर्क कर लेंगे उसका जो बेनिफिट है आपको पूरी लाइफ मिलेगा।
और आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है जैसे जैसे टाइम आ रहा है जॉब मिलना आसान नहीं है, और आफ्टर कोरोना तो आप देख रहे हैं बहुत सारी वैकेंसी कैंसिल भी हो रही हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी बहुत समय बाद वैकेंसी आई है, और आर्ट में बहुत ज़्यादा भी वैकेंसी नहीं है। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या जो लोग कर सकते हैं, जिनको अपना, देखिए सबको पता होता है अपना कि हम ये चीज़ कर सकते हैं, हमारे अंदर एक ये ऐसी शक्ति है इसको करने के लिए कि हम इसको कर सकते हैं। अगर आप मन में ठान लो तो क्या, आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ कुछ भी नहीं है, आप कर सकते हो हर चीज़ को। और आपको समय इतना मिल रहा है इस वैकेंसी के लिए, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, सिर्फ आया है कि 15 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब भी अगर आप मान के चलेंगे तो बीच में अभी बहुत टाइम है, 2 महीने हैं अभी आपको, और 2 महीने में तो बहुत कुछ लर्न हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप जो बच्चे मेहनत करेंगे इसमें वही सफल होंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, हाँ बिना बजे बच्चे ये बात फ़ोन करते हैं, मैम ये बता दीजिए मेरिट कितनी जाएगी, मेरिट का आप क्या करेंगे, मुझे ये बात समझाइए आप कि मेरिट से आपको क्या लेना देना है। जब आप अपने रास्ते पर सही से चलेंगे, अपने तरीके से आप तैयारी करेंगे, तो मेरिट का आप क्या करेंगे, मेरिट में तो आप खुद ही सिलेक्ट हो जाएंगे। क्या मेरिट देखकर आप तैयारी करते हैं? नहीं ना, मेरिट देख के तैयारी नहीं होती। और जो लोग मेरिट देखकर तैयारी कर रहे हैं तो शायद वो मेरिट पे ही ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान कभी नहीं दे पाएंगे। तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है, बार बार बच्चे पूछते हैं, मैं देखती हूँ फोन करती हूँ और पूछते हैं, मैं मेरिट बता दीजिए कितनी जाएगी, पेपर बता दीजिए कैसा आएगा। देखिए मैं पेपर नहीं बना रही हूँ, ना ही मैं मेरिट बना रही हूँ, मेरिट तो आप लोग बना रहे हैं, पेपर आयोग बना रहा है, तो उसमें आप लोग ही तो कर सकते हैं। आप लोग जितना पढ़ेंगे मेरिट में नाम आ जाएगा, मेरिट तो डिपेंड करती है कि बच्चों ने कितना किया है। मैं बता दूं कि मेरिट इतनी जाएगी और जाए मेरिट हाई जाए या कम जाए, फिर आप बोलोगे उन मैम ने इतना बताया था लेकिन मेरिट इतनी गई, और मेरे बताने से कौन सा मेरिट उतनी नहीं जाएगी जितना मैं बता पाऊंगी। आप अपनी मेहनत पे लगे रहिए, मेरिट पे कोई ध्यान मत दीजिएगा, बस अपनी तैयारी पूरी रखिए। और तैयारी मैं बता चुकी हूँ, तैयारी करने का जो तरीका है सबसे अच्छा ये है, समय मत देखिए कि हमें 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है, आप सिर्फ टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। जितने चैप्टर हैं उनकी एक इंडेक्स बनाइएगा, उसको तैयार कीजिए, क्या जितने चैप्टर उसमें आते हैं, जितने टॉपिक उसमें आते हैं चैप्टर में, उनको लिखिएगा अपने पूरे रूम में, इस तरह की जो पेपर हैं लगा लगा के वो तैयार कीजिएगा, चिपकाइएगा, और उसमें जो जो टॉपिक आपका तैयार होता जा रहा है उसको मार्क करते जाइएगा। मार्क करने से आपको फ़ायदा ये होगा, क्योंकि जो टॉपिक आपका तैयार हो चुका है उसके बाद खुद को उसमें टेस्ट लीजिएगा, जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको निकालिएगा, फिर उसको लिखिएगा कि इतने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने किए और इसमें से इतने मार्क्स आए। इस तरह से चाहे पूरा कमरा आपका सड़ जाए, एक तरह से मैं नहीं मानती कि वो सड़ा हुआ लगेगा, कुछ टाइम रहेगा 2 महीने, और 2 महीने के बाद जो मेहनत आपकी रंग लाएगी उसको सारी दुनिया देखेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नंदलाल बोस को एक कला विद्यालय में आखिरकार भर्ती कराया गया, 5 वर्ष तक उन्होंने चित्रकला की विधिवत शिक्षा ली। और देखिए शिक्षा ली इन्होंने 1905 से 1910 ईस्वी के बीच अवनींद्रनाथ ठाकुर से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट। कॉलेज ऑफ आर्ट में इन्होंने शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली थी? आर्ट की शिक्षा ली थी, अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में अवनींद्रनाथ टैगोर से इन्होंने शिक्षा ली थी, अध्यापन किया। यहाँ पर इन्होंने अध्यापन किया था, किसका किया था? आर्ट का अध्यापन किया था। ये शांति निकेतन कला भवन के प्रधानाध्यापक भी रहे थे। कब रहे थे? 1922 से 1951 के बीच शांति निकेतन कला भवन के प्रधानाध्यापक भी रहे थे शांति निकेतन। कब रहे थे अगर पूछ लिया जाए, ये प्रश्न आया हुआ है, आप देखेंगे 2016 में भी यहाँ से प्रश्न आया है अवनींद्रनाथ टैगोर से, तो अवनींद्रनाथ टैगोर महत्वपूर्ण है, अवनींद्रनाथ टैगोर कुछ इस तरह के आर्टिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखेंगे। इनका स्वतंत्रता आंदोलन में भी योगदान रहा था अवनींद्रनाथ टैगोर का,
अगर देखें चित्रकारी से जुड़े होने की वजह से नंदलाल बोस का जो संपर्क है वो रविंद्रनाथ ठाकुर के अलावा आनंद कुमार स्वामी, भाग्नि देवता आदि इन सब से भी हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के अलावा भाग्नि देवी से भी हुआ था। तो ये सब लोग इनकी बहुत प्रशंसा, इनके चित्रों की बहुत प्रशंसा करते थे भारतीय। और एक चीज़ और मैं इनके बारे में बता देती हूँ, भारतीय संविधान की मूल प्रति तैयार करने वाले जो कलाकार थे वो कौन से थे, इस तरह से क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान की मूल प्रति, मूल प्रति भारतीय संविधान के चित्रों की इन्होंने मूल प्रति तैयार की थी। किसने तैयार की थी? नंदलाल बोस ने। और 221 पेज के दस्तावेज, 221 पेज का लगभग दस्तावेज था जो इन्होंने ये तैयार किया था चित्रों के। तो इसमें बहुत कुछ है, इनके चित्र मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दांडी मार्च, संथाली कन्या, संथाली कन्या, कुछ इस तरह से इनके चित्र रहे भी हैं। मृत्यु लिखेंगे 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं, कुछ आपके कमेंट्स थे तो देखिए यहाँ से जो प्रश्न आए हैं, तो ये वाला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस आर्टिस्ट ने तैयार की थी। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो लेकर चलेंगे और आपको याद होने भी चाहिए इस तरह के प्रश्न। अब मैं आती हूँ, आपके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं तो उन कमेंट्स पर थोड़ी सी चर्चा करनी भी जरूरी है। चलिए कमेंट्स देखते हैं आपके क्या क्या कमेंट्स थे। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बुक के बारे में, तो देखिए बुक के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ा सा आप ध्यान से सुना कीजिए। बुक में सिर्फ बंगाल शैली तक ही क्वेश्चन आंसर मैंने दिए हैं, पूरी बुक क्वेश्चन आंसर पे ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है। 4 उसमें आंसर्स दिए हैं, उसमें से आपको चूज करना है। और पूरी जो बुक है मेरी वो क्वेश्चन आंसर में है, चैप्टर वाइज है, एक एक चैप्टर के अलग अलग क्वेश्चंस मैंने दिए हैं। बंगाल शैली के आर्टिस्ट उसमें हैं, समकालीन जो आपके आर्टिस्ट हैं आगे के आर्टिस्ट मैंने उसमें नहीं दिए हैं, अगर मैं उसमें ऐड कर देती तो बुक बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती। उसकी बुक अभी आएगी, आपकी जुलाई के फर्स्ट वीक तक आ जाएगी, ठीक है। उसमें क्योंकि मैंने कुछ 2016 के आर्टिस्ट भी काफ़ी सारे डाले हैं तो वो आर्टिस्ट भी हैं, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने डालने की कोशिश की है। एलटी वालों के लिए भी मैंने उसमें पेपर डाले हैं, डीएसएससी वालों के लिए भी पेपर है, स्पेशली राजस्थान वालों के लिए भी उसमें क्वेश्चन पेपर मैंने दिए हैं। तो वो सबका मिला जुला एक रूप है जिसमें मैंने पेपर डाले हैं, ठीक है। हाँ, एक कह रहे दुर्गेश मिश्रा, मैम कुछ सी ग्रेट, थैंक यू सो मच। मैम आपकी आवाज़ बहुत ही कम आती है, थोड़ा तेज बोलिए। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पूरे दिन जब टायर्ड हो जाती हूँ तो मेरी जो एनर्जी है वो पूरी लेस हो जाती है, उसके बाद मेरी वॉइस थोड़ी सी डाउन हो जाती है। कोशिश करती हूँ मैं कि सारी क्लास लेने से पहले आपकी वीडियो बन जाए तो मेरी जो आवाज़ है वो ज़्यादा बुलंद होती है, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगी, ठीक है। एंड हाँ, तक्षशिला अकेडमी से कमेंट है, मैम जी कम से कम बेइज्जती तो मत करो हमारी, तुमने तो हमें बच्चों बोल दिया। ओ सॉरी बच्चों, सॉरी आपको बच्चों नहीं, आपको मैं क्या बोलूँ, स्टूडेंट आप हो नहीं क्योंकि आप खुद ही टीचर हो, तो आपको लर्नर बोला जा सकता है, टीचर बोला जा सकता है, सबसे अच्छा टीचर, टीचर कहलाने की आदत डाल लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको टीचर ही बोलूँगी, टीचर या फिर लर्नर, ओके फाइन, अब आपकी बेइज्जती नहीं होगी, ठीक है। आपकी किताब कैसे मिलेगी, ये श्यामजी आर्टिस्ट पूछ रहे हैं। हाँ, आर्टिस्ट बेस्ट आपके लिए रहेगा, आप सब लोग आर्टिस्ट एंड टीचर हैं, तो आपकी किताब कैसे मिलेगी बच्चों? अभी देखिए किताब जो है वो शॉप तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि आप देखेंगे पीछे भी जब इसकी जितनी कॉपियां निकली थी वो सारी ही वो डिवाइड हो चुकी हैं। दूसरी, आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे और कोशिश करिए, कॉल मत करिए प्लीज़, क्योंकि कॉल आप करे जा रहे हैं और बाकी जो मेरी क्लास है वो डिस्टर्ब हो रही है। तो प्लीज़ आप व्हाट्सएप पे मुझे जिसको बुक लेनी है वो मुझे मैसेज करें
और आपको बुक वहीं पहुंच जाएगी, मैं ही आपको पहुंचाऊंगी, यहाँ से स्पीड पोस्ट कर दी जाएगी, बुक आपके घर आ जाएगी, आपको अभी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना की शुरुआत अभी तीसरी होने वाली है। तो आप अभी घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें ताकि आप एग्जाम दे सकें और अपना फ्यूचर बना सकें, ठीक है। किताब आपको आपके घर पहुंच जाएगी। मैम आपकी वॉइस बहुत कम आती है, देखिए मैं कोशिश करूंगी कि वॉइस मेरी आए। मैम अपनी बुक तो दिखा दीजिए प्लीज़, बुक मैंने दिखा चुकी हूँ आप लोगों को, बट अभी तो आज शायद मेरे पास कोई कॉपी भी नहीं है, मैं दोबारा दिखा दूँ तो आपको, ठीक है। मैम प्लीज़ 150 क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज बनाइए, बिल्कुल बच्चों, सॉरी बिल्कुल आर्टिस्ट, मैं एक 150 क्वेश्चन की नहीं, आप देखेंगे अभी जो मेरा टारगेट है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे पास कुछ नेट के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम एक पाश्चात्य कला पर वीडियो बनाइए, तो मैं वीक में एक वीडियो लाऊंगी पाश्चात्य कला पर। और जो आप बोल रहे हैं 150 क्वेश्चन की जो सीरीज है, 150 क्वेश्चन की नहीं, मैं जो जितने भी आपके जो लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए मैं अलग अलग से एक क्वेश्चन जो पेपर है वो लेकर आऊंगी। बस मुझे थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे अपनी सेकंड बुक निकालनी है, तो थोड़ा सा समय मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए अब इस मैम हमें तो नोटिफिकेशन नहीं आता है वीडियो का, रोज क्लास दीजिए। देखिए बच्चों नोटिफिकेशन आएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन है उसको दबाइएगा, ठीक है, तो आपको हर वीडियो का मेरी नोटिफिकेशन भी मिलेगा। और हाँ, जो बच्चे मेरी बुक के लिए संपर्क कर रहे हैं तो वो नंबर शायद रह गया है, नंबर आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पर भी जाइए 9599670200 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिएगा, बहुत अच्छे से आपको सारे रिप्लाई मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिस्ट के साथ और मैं लेकर आऊँगी फिर से एक नया आर्टिस्ट आप लोगों के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।